हमने शॉर्टकट मेथड सॉल्व किया, ये थोड़ा अलग है दिखने में। आपको एक लीनियर डिफरेंशियल नहीं दिखेगा, अभी कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यहाँ पे इसका वेरिएबल कोएफिशिएंट होगा। तो एक टाइप में जनरली बताता हूँ कैसे होता है। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज लुक लाइक दिस, ए नॉट एक्स रेस टू एन डी रेस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन डी रेस टू एन माइनस वन प्लस ए माइनस टू डी रेस टू एन माइनस आप टू ए एन माइनस वन और ए एन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो जनरल इस फॉर्म में होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉची में डिफरेंस क्या है, तो आपको कांस्टेंट की जगह यहाँ पे क्या दिखेगा, कोएफिशिएंट वेरिएबल एक्स। कॉन्स्टेंट वेरिएबल एक्स है, दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट सम वैल्यूज। ओके, वी हैव टू रिड्यूस दिस कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे डिफरेंशियल वर्ड बचा है, वी हैव टू रिड्यूस दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट बाय पुटिंग। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ध्यान दो, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि बाद में लास्ट में यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट कर रहा था। तो हमें यहाँ एक्स दे रहा है, ओके, ये एक्स एक्स्ट्रा आ गया हमें, तो हमें क्या करना है, उस एक्स के लिए सब्स्टिट्यूट और जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स रखना है, और यहाँ पे ठीक है, बताता हूँ। x dy by dx अगर आपको रखना है, dy कैपिटल d y x square डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की जगह हमें लिखना है डी इन टू डी माइनस वन वाई एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब की जगह हमें रखना है डी इन टू डी माइनस वन इन टू डी माइनस टू इन टू वाई। और यहाँ पे कैपिटल डी का मीनिंग होगा डी बाय डी जेड। ओके, वहां पे डी बाय dx था, यहाँ पे d बाय डी जेड होगा। खाली आपको ये याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन एक और ये दो लाइन और ये तीसरा आपका d कैपिटल d की वैल्यू d बाय डी जेड। तो ऑटोमेटिकली आपका कॉची इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब हम इसको एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल पर लेता हूँ मैं। सॉल्व x स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ए प्लस एक्स साइन लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, इसका सोल्यूशन अब देखो। अभी तक हमने फाइव शॉर्टकट मेथड, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जनरल मेथड में बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, वहां पे ऐसे एग्जांपल दिखाई नहीं दिया हमें।
वहां पे सिंपल एग्जांपल दिखाई दिया था, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है, और राइट हैंड लेकिन यहाँ पे क्या है, cos of log, एंगल पे log है। तो ये यहाँ पे एग्जाम के समय कहा नहीं जाता है कि सॉल्व यूजिंग पॉइंट इक्वेशन, सॉल्व यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन, आपको एग्जाम्पल देख के पता चलना चाहिए कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट इक्वेशन, ठीक। ठीक है, एग्जाम्पल देख के पता चल रहा है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। अब ये जो मैंने दो लाइन लिखे हैं, इसका यूज करके वी हैव टू कन्वर्ट दिस गिवन इक्वेशन इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, सो गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वी कन्वर्ट इट इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय पुटिंग, यस। तो हमारा सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम सेकंड ऑर्डर के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, एंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स के लिए भी सब्स्टिट्यूशन चाहिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स एज कैपिटल डी इंटू वाई, वेयर मीनिंग ऑफ दिस कैपिटल डी इज डी बाय डी जे। ओके, और यहाँ पे मैंने बताया था एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू जेड होता है और जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स होता है, इतने सब्स्टिट्यूशन हमें करना। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद गिवन इक्वेशन बिकम्स, चलो बताओ y by dx square को हम a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d into t minus 1 into y, करेक्ट है, इसके लिए मैंने सब्स्टिट्यूट किया। यस सर। ठीक है, a माइनस साइन एल इंटी x dy by dx के लिए डीवाई कैपिटल डी वाई, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल डी वाई सब्स्टिट्यूट किया प्लस फोर वाई। अब लेफ्ट हैंड साइड समझ में आया कैसे लिखा है? यस सर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट, कॉस एल टी लॉग एक्स की वैल्यू हमने क्या बताई यहाँ पे, जेड लॉग एक्स, यस। सो वी सब्स्टिट्यूट लॉग एक्स एट जेड प्लस यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखना है, e raised to z, e raised to z, sine of what is angle z, yes it is z, here we take y common और bracket solve करके लेते हैं, तो ये होगा d square minus d plus 4 y is equals to cos of z plus e raised to z sine z। तो d square minus 4y is equals to cos z e raised to z sin z, am I correct? Yes sir। अगर आपने observe किया होगा तो हमने क्या किया है, ये पूरा दिया हुआ example independent variable क्या था, यहाँ पे independent variable था, से क्या हुआ है सैंपल कन्वर्ट हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड में, तो हमने क्या किया एक्स को पूरा जेड में कन्वर्ट किया। यहाँ पे आपको कहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। नो, सो वी हैव कन्वर्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू जेड। अब हमें एक सॉल्व करना है, चलो ये आ गया आपका विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में। सो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर, ऑक्सिलरी इक्वेशन, व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, x square minus 2d plus 4
डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फोर ए इक्वल टू जीरो। चलो सात इसके रूट बताओ। क्या बताया रियल रूट आते क्या एक बार देखो, हमें क्या रूट बताया वो सेटिस्फाई करता है क्या? देख इक्वेशन फिर व्हाट आर द रूट्स। This is not perfect square and we can't find its factors. Yes. So what are the roots we have to find? Yes, we have to use formula. Minus b plus r minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Yes, Vaishnavi. Calculate karke batao. Sir, 1 plus minus under root 3i. Yes, roots are 1 plus minus root 3i. Now which type of roots we are getting here? Yes, complex roots. So it's by the alpha and beta. What is alpha? 1. Beta? Root 3. Yeah, so it's complementary function e raised to a bracket c1 cos root 3a plus c2 sin root 3a. Am I correct? No, c1 plus c2a. Yes, Rushi ke c1 plus c2a se. एक बार ठीक से देखो मेरा करेक्ट है क्या? यस, आकाश ने बताया वी हैव टू यूज़ थ्रेड इंस्टेड ऑफ एक्स बिकॉज़ दिस इज इन दिस केस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज थ्रेड। सो हियर e रेज टू थ्रेड कॉस ऑफ रूट थ्री थ्रेड प्लस c2 साइन रूट थ्री थ्रेड। मेरे जान कुछ के रॉन्ग लिखा था ना, समझ में आया गलती कहाँ पे होती है? Yes, sir. ना, देख, what is next step? Particular. Yes, particular integral. Y p is equals to one upon f of t into capital A. F of t is 1 upon t square minus 2d plus 4 and capital S is cos z e raised to z sin z. Therefore, 1 upon d square minus 2d plus 4 cos z upon d square minus 2d plus 4 e raised to z. ये मैंने बाहर के टर्म से अंदर मल्टीप्लाई किया, ओके? एक कौन से शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे? अरे कॉस ऑफ ए ए यस, फर्स्ट टर्म कौन सी है? कॉस ऑफ एक्स। यस, कॉस ऑफ ए एक्स वाली है, यहाँ पे लेट देता हूँ। सेकंड शॉर्टकट मेथड और ए x e raised to ax into v into v to v. I think this one is fourth shortcut method, right? Yes, sir. Now in this case we have to replace d square by minus a square, that is we have to replace by minus 1. So here minus 1 minus 2d plus 4 all z aa jayega aur yahan pe e to z बाहर लेना और जहाँ पे d है वहाँ पे क्या ऐड करना है? यहाँ पे a, a की वैल्यू क्या है? 1. तो यह d plus 1 bracket square minus 2d plus 1 plus 4 sin
अपॉन माइनस टू डी प्लस थ्री कॉस जेड ई रेस टू जेड। चलो ये यही शेप पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन माइनस टू डी माइनस टू प्लस फोर। तो सही है क्या? देखो एक बार, प्लस टू डी माइनस टू डी कैंसिल। तो नीचे क्या बचता है? पे क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर में तो डी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? दिया है हमने इस टाइम का एग्जाम्पल, नीचे डी स्क्वायर कैसे ला सकते हैं? So we have to do rationalization process. So we multiply numerator denominator by 3 plus 2d. यहाँ पे 3 minus 2d already है, 3 plus 2d cos z e raised to z. यहाँ पे क्या होगा? We have to replace this. Here we have to replace d square by minus a माइनस ए स्क्वायर दैट इज माइनस वन। सो वन अपॉन माइनस वन प्लस थ्री साइन के, इसका तो डी निकल गया। इसके लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थ्री प्लस टू डी, डिनोमीटर क्या आएगा बताओ? नाइन माइनस फोर डी स्क्वायर। सबको कैसे आया वहां पे? ए माइनस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर यूज किया। ओके, नाउ रिप्लेस ए, यहाँ पे जाएगा टू साइन। नाउ रिप्लेस डिनोमिनेटर डी स्क्वायर बाय माइनस वन, वी गेट नाइन इंटू फोर इंटू माइनस वन cos z, यहाँ पे तो d निकल गया, तो ये सॉल्व हो गया e raise to z sin z upon 2। अब न्यूमरेटर में cos से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 3 cos z 2 into एक मतलब d by dz है, दूसरा d का cos z, यहाँ पे आएगा 30 plus e raise to z sin z upon 2। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यस सर। हाँ बताओ क्या आएगा न्यूमरेटर में? 3 cos z plus 2 into derivative of cos sin minus sin, yes minus sin। तो यहाँ पे आएगा minus 2 sin z upon 30 e raise to z sin z upon 2। ये आ गया आपका। तब बताओ आपने जो वाइटिंग कर लाया वो कंप्लीट सॉल्यूशन है क्या हमारा? No, because our given example is in the form of x and y. Okay, given example is in the form of x and y. Okay, but we have found solution in terms of z. Yes, we have to resubstitute z and log of x. और b से तो लिख रहे हैं। पहला ES है, मैकेनिक है, TM है, M1 है। अभी BSC का टक्कर है। अभी कौन सा टक्कर है? आता EM का लेक्चर। ओके, नाउ अब क्या होता है? देखो मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ। यहाँ पे आप हेड को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स से, तो आपको सीएफ में भी रिप्लेस करना पड़ेगा, पीआई में भी रिप्लेस करना पड़ेगा, करेक्ट है?
तो अच्छा यहाँ पे दो बार रिप्लेस करने करने से फर्स्ट राइट कंप्लीट सॉल्यूशन ओके पहले कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू yc प्लस yp ओके ये yc प्लस yp क्या होता है yc प्लस yp क्या निकाला हमने cos of root 3z plus sin of root 3z and yp जो हमने बड़ा निकाला है वो 1/13 3 cos z minus 2 sin z e raised to z sin z by 2 okay this is not our complete answer because given example is in terms of x and y we have solved using z so general solution in terms of y and x is ओके तो हमें यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है z की वैल्यू log x ओके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिखा है z की वैल्यू देखो वैल्यू क्या है log x तो यूजिंग दैट वैल्यू हमारा आंसर आएगा यहाँ पे z है वहाँ पे log x सब्स्टिट्यूट कर दो आपका आंसर होगा तो दिस इज y इज इक्वल्स टू e रेस टू z की वैल्यू क्या होती है x cos of root 3 log x sin of root 3 log x plus 1/13 3 cos of log x minus 2 sin of log x plus e raised to z ki value x sin of log x divided by 2 am I correct?